हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन। आज के हम इस वीडियो में एक अच्छे उत्तर में किन किन बिंदुओं का समावेश होना चाहिए और यदि आप नए हैं तो उत्तर लेखन में किन किन बातों को आपको ध्यान देना चाहिए, इस बात पर चर्चा करेंगे। ये वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो कि पहली बार मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे 67वीं BPSC। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले एक बार प्रथम दृष्टि आपको सारी चीज़ें दिखा देते हैं कि हम क्या क्या इस वीडियो में कवर करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई भी प्रश्न आपके सामने आता है तो उसके कंटेक्स्ट पे आप कैसे ध्यान देंगे। इसके बाद दूसरा जो चीज़ हम इस वीडियो में देखेंगे वो देखेंगे कीवर्ड्स को। इसके बाद जो टेल एंडर्स वर्ड्स होते हैं यानी जो पुछंदे शब्द होते हैं उनका क्या मतलब होता है। इसके बाद आपकी भूमिका में आपको किन किन बातों का ध्यान देना होगा, मेन बॉडी में आप कैसे डायमेंशंस को तोड़ेंगे, सरकारी योजनाओं का उल्लेख कैसे करेंगे, संवैधानिक प्रावधान कैसे जुड़ सकते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के संबंधित प्रश्नों में, जो केस लॉ होते हैं सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट होते हैं उनका उल्लेख आप कैसे करेंगे, इन सारे बातों को हम कवर करेंगे केस लॉ के माध्यम से आपको लाइव दिखाऊंगा। इसके बाद कंक्लूजन में आप किन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, एक तरफा नहीं होना चाहिए, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखो कंटेक्स्ट की जहां तक बात है, एक प्रश्न के माध्यम से ही कंटेक्स्ट की शुरुआत कर देता हूं। जैसे हमने एक प्रश्न पूछा कि पोटोमैक नहीं बल्कि टेम्स यमुना के प्रवाह को उर्वर बनाती है, कथन के आलोक में भारत के राष्ट्रपति के प्रतीकात्मक संस्था पर टिप्पणी कीजिए। अब ये जो प्रश्न पूछा गया था वो बेसिकली प्रश्न पूछा गया था कि पोटोमैक जो रिवर है वो अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है, टेम्स जो रिवर है वो ब्रिटेन को रिप्रेजेंट करता है और यमुना भारत को रिप्रेजेंट करता है। और इसी संबंध में पूछा गया था कि किस तरीके से जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनकी जो शक्तियाँ हैं वो अमेरिका से नहीं बल्कि ब्रिटिश क्राउन से मिलती जुलती हैं। लेकिन अगर आप कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझेंगे इस प्रश्न के कि जो एग्जाम क्वेश्चन सेटर है उसने किस कॉन्टेक्स्ट में इस प्रश्न को पूछा है, जैसे हमने टेस्ट सीरीज में जब प्रश्न दिया तो एक दो बच्चे पूरे आधे उत्तर में उन्होंने नदियों का उल्लेख किया, इसके बाद राष्ट्रपति पर आए, जबकि नदियों के उल्लेख के लिए प्रश्न ही पूछा गया है। आपको नदियों के बारे में पर्यटक आते हैं वो बहुत अच्छा है टूरिज्म के लिए, सब चीज़ें नहीं लिख रही हैं। तो ये हो जाते हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, जिसको हम बोल देते हैं कि आपकी जो भूमिका है वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। तो कॉन्टेक्स्ट को आपने समझ लिया होगा कि किस कॉन्टेक्स्ट किस रेफरेंस में प्रश्न पूछा गया है, जिसको आपको प्रश्न लिखने के पहले ध्यान देना है। एक दिन में नहीं आती है, अगर आप लगातार उत्तर लेखन करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज होता है किसी भी प्रश्न में वो होता है उस प्रश्न के कीवर्ड्स को निकालना, कि उस प्रश्न में जो शब्द का जाल बनाकर जो क्वेश्चन सेटर ने पूछा है उसमें आपकी विषय वस्तु क्या है जिस पर आपको लिखना है। इसके लिए भी हमने बीपीएससी का ही प्रश्न चुना है। जिसे बीपीएससी ने एक प्रश्न पूछा है कि भारतीय राज्यों के असमान विकास ने कई सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं को जन्म दिया है, बिहार के विशेष संदर्भ में कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये प्रश्न जो है 66 बीपीएससी मुख्य परीक्षा में पूछा गया है। देखो इसको कीवर्ड्स को पहले हम पकड़ते हैं। इसका कीवर्ड्स क्या है, बाहर के राज्यों में असमान विकास। तो पहले तो आपको असमान विकास को किन कारणों से असमान विकास हुआ है, भौगोलिक कारण क्या रहे हैं, ऐतिहासिक कारण क्या रहा है, इन सारे कारणों को आप बिंदुवार तरीके से दिखाएंगे। फिर इसका दूसरा जो कीवर्ड्स है वह है सामाजिक आर्थिक
और राजनीतिक समस्याओं को जन्म दिया है। यानी आपको बताना है कि जो असमान विकास हुआ उसके दुष्परिणाम के रूप में किस तरीके से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। जब इन समस्याओं को आप दिखाएंगे तो तीसरा जो आपके इसमें की पॉइंट्स आपको ध्यान देने योग है वो है कि बिहार के विशेष संदर्भ में आपको चर्चा करनी है। यानी जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याएं दर्शाएंगे उसमें ज़्यादातर जो समस्याएं होनी चाहिए वो बिहार के विशेष रेफरेंस में होनी चाहिए। जैसे आप जब दिखाएंगे कि सामाजिक समस्याएं, तो उसमें दिखाएंगे कि महिलाओं की स्थिति किस तरीके से बिहार में कमज़ोर है। इसके बाद आप दिखलाएंगे कि बिहार में साक्षरता की दर अन्य राज्यों की तुलना में कम है। अगर आप स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो नीति आयोग की रिपोर्ट का उल्लेख करेंगे कि नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की स्थिति काफ़ी नीचे है। इसके साथ ही साथ सतत डेवलपमेंट यानी आप पर्यावरण के क्षेत्र में अगर बात करें तो सतत डेवलपमेंट जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें बिहार भी जितने भी बड़े राज्य हैं उसमें सबसे निम्न श्रेणी में। तो ये जो तीन पार्ट्स या तीन वर्ड्स कीवर्ड्स हैं इस क्वेश्चन के, अगर आपने कीवर्ड्स को पकड़ लिया तो आपका उत्तर लेखन करना आसान हो जाएगा। अब चलिए अगले चलते हैं। अगला जो हमारा उत्तर लेखन में चीज है वो है पुछल्ले वर्ड्स। पुछल्ले वर्ड्स को आप किस तरीके से समझेंगे, जैसे बहुत सारे आपने देखा होगा परीक्षण कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, निरीक्षण कीजिए। तो कीवर्ड्स के लिए हमने एक पूरी लिस्ट आपके लिए बना रखी है। पुछल्ले वर्ग में हमने एक तरह के जो शब्द हैं केवल, मतलब जिसको पर्यायवाची शब्द के रूप में आप यूज कर सकते हैं, उनको हमने एक लिस्ट में डाल रखा। इस तरीके से हमने पुछल्ले टैलेंडर्स वर्ड्स की 10-3 लिस्ट बना रखी है। जो हमारा पहला लिस्ट है उसमें किस तरीके के शब्द पूछे जाते हैं, स्पष्ट कीजिए, प्रकाश डालिए, थ्रो द लाइट इंग्लिश में वर्ड यूज करता है, व्याख्या कीजिए, विशदीकरण कीजिए, विस्तार से बताएं, सरलीकरण कीजिए। अगर इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं टेल वर्ड्स के रूप में तो इसका सिंपल मतलब जान लीजिए कि इसका सिंपल मतलब है कि जो क्वेश्चन सेटर है वो आपसे जानना चाहता है कि जो विषय वस्तु है उसको आप सरल शब्दों में व्याख्या कर दीजिए, समझा दीजिए कि वो कहना क्या चाह रहा है। इसके बाद दूसरा जो वर्ग है हमारा, उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं वर्णन कीजिए, विवरण कीजिए, गिनवाइए, इनलिस्ट कीजिए, सूचित कीजिए, उल्लेख कीजिए। इस तरीके के प्रश्न जब आपसे पूछे जाते हैं तो आपको जिस विषय से प्रश्न पूछे गए हैं उस विषय से संबंधित तथ्यों का, उससे संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करना होता है। जैसे आपसे किसी ने पूछ लिया कि बिहार में शुरू की गई महिला उद्यमी योजना के प्रमुख लाभों को गिनवाइए, तो आपको उसमें जो लाभ हैं उसके महत्व को बताएं, तो उसमें जो पॉइंट वाइज दिए हुए हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स होंगे उसे आपको काउंट कराना होगा। अगर उसके लक्ष्य पूछा गया है तो आपको लक्ष्य को काउंट कराना होगा। इसमें आपको बहुत ज़्यादा अपने तरफ से जिस तरीके से पहले वर्ग में आपको छूट है उतनी छूट इस वर्ग के प्रश्न में नहीं होती है। तीसरी श्रेणी जो है कैलेंडर्स की यानी पुछल्ले शब्दों की, उसमें आलोचना कीजिए, समीक्षा कीजिए, समालोचना कीजिए, आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। अब कभी कभी क्या हो रहा है कि आलोचना डायरेक्ट क्रिटिसाइज न पूछ के उसमें क्रिटिसाइज को एक विशेषण के रूप में पूछते हैं, जैसे क्रिटिकली कमेंट यानी आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए, क्रिटिकली एवलुएट। अरे एवलुएशन जब भी होगा ना वो क्रिटिकली ही होगा। अगर क्रिटिकली वो नहीं भी लिखेंगे तब भी आप जब एवलुएशन करोगे, मूल्यांकन करोगे, तो किसी व्यक्ति का आपको मूल्यांकन करने के लिए कह दिया गया तो आप उसकी केवल अच्छाइयाँ थोड़ी बताओगे, आप उसमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं, उसकी कुछ लिमिटेशंस होंगी उसे भी तो बताओगे, तभी तो मूल्यांकन होगा उसका समग्र। लेकिन अगर केवल आलोचना वाली टेल वर्ड रहे तो आप कोशिश करें कि 40% आप उसके मेरिट्स को बताएं और 50% आप उसकी कमियों या ड्रॉबैक्स को बताएंगे। जो हमारा नेक्स्ट है वो आता है, ज़्यादातर प्रश्न पूछा जाता है मूल्यांकन कीजिए, एवलुएट या रेट। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी हम समग्रता से ही
प्रश्न को उत्तर देते हैं, लेकिन इसमें हम जो मेरिट्स वाले हिस्से हैं उसके परसेंटेज को आलोचनात्मक वाले प्रश्नों से थोड़ा अलग कर लेते हैं। इसमें 60% हम मेरिट्स को बताते हैं और 40% हम इसके ड्रॉबैक्स को बताते हैं। इसके बाद अगर आपसे पूछ लिया गया कि टिप्पणी कीजिए, कमेंट करें, तो देखो अभी आप ओलंपिक गेम्स चल रहे थे, आपने कमेंट्री सुनी होगी, तो कमेंटेटर पहले क्या बताता है कमेंट्री में? पहले तो बताता है कि देखिए भारत के आर्चर हैं, इन्होंने अब किया, अब इन्होंने निशाना साथ लगाया और देखिए टारगेट पर। अगर वो टारगेट पर नहीं लगता है तो फिर उसका कमेंटेटर क्या करता है, उसका एनालिसिस करता है कि अभी इस तरीके से इन्हें ये शॉट नहीं लगानी चाहिए थी, दूसरे तरीके से निशाना लगाना चाहिए था, या इन्होंने समय कम ले जल्दबाजी कर दी। तो ये जो चीज़ें हैं ना जो क्रिटिकली एनालाइज कर रहा है वो आएगा मूल्यांकन वाले सेक्शन। तो टिप्पणी में आपको जब टिप्पणी से संबंधित प्रश्न पूछे जाए तो लगभग 60% प्रश्नों पर तो 70% हिस्से में आपको व्याख्या करनी है और जो मूल्यांकन है वो लास्ट में 20-30% करनी है, ये आपको रेशियो होना चाहिए। फिर एक प्रश्न आता है कि निरीक्षण कीजिए, परीक्षण कीजिए, समीक्षा कीजिए, 100 परीक्षा कीजिए। तो यहाँ क्या है, आपकी विश्लेषण जो शैली है उस पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है, यानी कि आपको शब्दों का जाल नहीं बुनना है, आपको क्रिटिकली उसमें एनालिसिस करनी है, उसका परीक्षण करना है कि इस जिस उद्देश्य से ये चीज़ लाई गई थी वो उद्देश्य पूरा हुआ या नहीं। या कभी कभी क्या होता है कि आप ऐतिहासिक चीज़ पूछा जाता है कि अंग्रेज़ों ने ये कार्य किया, उनका मूल उद्देश्य क्या था, या क्या ये कहा जा सकता है कि अगर अंग्रेज नहीं आते तो भारत एक राष्ट्र के रूप में विकसित नहीं होता, परीक्षण कीजिए। तो आपको हर बिंदु पर उसमें क्या करना है बताना है और लास्ट में एक कंक्लूजन लिखना होता है बैलेंस तरीके का। ऐसा कोई जरूरी नहीं है जो स्टेटमेंट है उसका आप समर्थन नहीं करते। नेक्स्ट होता है विश्लेषण कीजिए। देखो विश्लेषण कीजिए का सीधा सा मतलब होता है ना साइंटिफिक प्रक्रिया में हम विश्लेषण करते हैं। वी मतलब होता है चीज़ों को अलग अलग कर देना। श्लेष मैंने होता है जो चिपकी हुई हैं, गुथी हुई हैं, एक जगह बंधी हुई हैं, जो समझ से परे हैं आम लोगों के लिए, उसको आप क्या करो अलग अलग कर दो एक विधि के द्वारा, सिस्टमेटिक वे में। ये हो गया विश्लेषण, यानी कोई स्टेटमेंट दिया गया है और उसको आप क्या करो इलोबरेट करके अपने हिसाब से विश्लेषित कर दो, यही इस कीवर्ड्स की डिमांड होती है टेलवर्ड की। इसके बाद नेक्स्ट होता है सिद्ध कीजिए, पुष्ट कीजिए, तर्क कीजिए। इसमें आपको प्रोज और कॉन्स दोनों हिस्सों पर ज़्यादा प्रकाश डालने की जरूरत नहीं होती। स्टेटमेंट दे दिया है और आपसे पूछ रहा है कि आप इसके पक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिए, तो आप सीधा सीधा इसके पक्ष में तर्क प्रस्तुत करेंगे जो कि कंक्रीट हो। इसके बाद होता है डिस्कस, चर्चा कीजिए या विवेचना कीजिए। ओपन इंडेड होता है, इसमें आपके पास थोड़ा आपका स्कोप होता है कि आप थोड़े से दाएं बाएं भी हो सकते हैं प्रश्न को उस चीज़ को बताने के लिए, यानी कि जब डिस्कस पूछा जाए क्वेश्चन में टेल वर्ड्स के रूप में तो आपके पास थोड़ा सा स्कोप अधिक होता है। तो हमने टेल वर्ड्स सारे समझ लिए, अब आपको टेल वर्ड्स में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब प्रश्न के तीनों हिस्से हमने समझ लिए कि कॉन्टेक्स्ट किस तरीके से आपको समझना है, कीवर्ड्स को किस तरीके से ध्यान देना है और जो पुछले शब्द हैं उस पर क्या मतलब होता है। अब हम आते हैं इंट्रोडक्शन पर। देखिए इंट्रोडक्शन जो आपकी होनी चाहिए वो बहुत लच्छेदार भाषा वाली नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा व्याकरणिक नहीं होनी जानी चाहिए, निबंध की तरह नहीं होनी चाहिए, इससे आपको बचना चाहिए समानता समान अध्ययन के उत्तर लिखने में। जो आपका भूमिका होना चाहिए वो विशेष ही बिल्कुल टू द पॉइंट होना चाहिए। यदि आपसे पूछा गया कि भारतीय संघ व्यवस्था के संबंध में तो आप सीधा सीधा बताएंगे कि संघवाद क्या विशेषताएँ होती हैं, इसके बाद भारत में क्या स्थिति है और भारत में इसको लेकर विवाद क्या है, मतलब टू द पॉइंट और बहुत लंबा नहीं होना चाहिए भूमिका। समान अध्ययन के प्रश्न के उत्तर लिखते समय समानता कोशिश करें उद्धरण से भूमिका की शुरुआत ना करें। हाँ अगर बहुत इंपॉर्टेंट उद्धरण है एकदम सटीक है तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कर ही नहीं सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन समानता कोशिश करें कि उद्धरण से समान अध्ययन की भूमिका की शुरुआत ना करें। आप इथिक्स में या निबंध में ऐसा करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। अब आता है मेन पार्ट, प्रश्न के संदर्भ के अनुसार आयामों को वर्गीकृत तरीके से विस्तार देने का प्रयास कीजिए।
अभी मैंने आपको जो बीपीएससी का प्रश्न समझाया उसमें हमने बताया कि किस तरीके से हमने पहले तीन टुकड़ों में कीवर्ड चुन लिए, अब उन कीवर्ड्स को हम क्या करेंगे, उसको डायमेंशंस ओपन करेंगे। जैसे असमानता उसने पूछा है कि असमान विकास हुआ है, तो असमान विकास के कारण को हर क्षेत्र में दिखाएंगे, क्या ऐतिहासिक कारण क्या रहे, इसके भौगोलिक कारण क्या रहे, सांस्कृतिक कारण क्या रहे, रणनीतिक कारण क्या रहे, रणनीतिक अस्थिरता थी हमारे पास, सामरिक कारण क्या रहे। तो ये होता है कि उसको डायमेंशंस को खोलना, डायमेंशन को तोड़ना। अब आता है कि जहां तक संभव हो सरकारी योजनाओं और प्रयासों का उल्लेख उत्तर में करें। देखो जैसे मैं आपको एक उदाहरण के जरिए बताता हूँ, जैसे बिहार में कृषि की स्थिति से संबंधित आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए, तो कृषि से संबंधित जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही हैं वो योजनाएं आपके पास पता होनी चाहिए। इसके बाद राज्य सरकार ने कृषि विकास के लिए जैसे जैविक कृषि के लिए जो बढ़ावा देने के कार्य किया है, किसानों के लिए डोर स्टेप तक उन्नत किस्म के बीज पहुंचाने की योजना, तृतीय कृषि रोड मैप, तो ये सारी योजनाओं को आप करेंगे। इसके लिए आपको करना क्या होगा, कृषि से संबंधित जितनी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की उसे एक जगह लिखें अपने कॉपी में, बिहार सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसे एक साथ लिखें। इसके बाद खाद प्रसंस्करण, तो खास खाद प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग के लिए जो केंद्र की योजनाएं चल रही हैं और जो बिहार सरकार की योजना है उसे आप एक जगह लिखें। इसी तरीके से महिला सशक्तिकरण, शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट सेक्टर हैं उसकी सारी योजनाओं को बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों को एक जगह लिख के रखें, ताकि उत्तर में आपको समावेश करने में सुविधा हो। अब हमारा अगला जो सेक्शन है वो है कि प्रश्न के संदर्भ के अनुसार संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख कैसे करें। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझा देता हूँ। जैसे मान लो आपसे प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए दिए गए प्रावधानों का उल्लेख करते हुए बताएं कि बिहार सरकार ने या भारत सरकार ने इसके लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कौन कौन सी योजनाएं प्रावधान। तो आप बताएंगे कि भारतीय संविधान के 366 के सब क्लॉज 24 और 25 में एससी और एसटी को परिभाषित किया गया है, और परिभाषा जो दी गई है वो 341 और 342 के अंतर्गत जो परिभाषा है वही है। इसके बाद आप आर्टिकल 14, 17, 23, 46 डीपीएसपी में एससी एसटी के कल्याण की बात की गई है, इसमें के बाद 330 और 332 का उल्लेख करेंगे। 330 में लोकसभा में आरक्षण की बात की गई है और 332 में राज्य विधानसभाओं में आरक्षण की बात की गई है, यानी कि जो संविधान में इतनी चीज़ें होंगी, और शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 इसका आप उल्लेख कर देंगे, यानी कि संवैधानिक प्रावधान जितने पूछे गए उसका आपने उल्लेख कर दिया। राज्यपाल की विवाद का अधीन शक्तियाँ पूछ ली जाए तो आप जो राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल है विवेकाधीन यानी 163 का उल्लेख करेंगे। तो जिस तरीके से पॉलिटी में या फिर सोशल इश्यू से प्रश्न पूछे जाए और वो संविधान से जुड़ता हो तो उन एक्यूरेट आर्टिकल्स का आपको उल्लेख करना है, इससे आपके अंक बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पोर्शन है कि बर्तनी दोष आप कम से कम करें। जैसे बहुत सारे एक दो शब्द आपको बता दे रहा, बहुत सारे छात्र उज्ज्वल जब लिखते हैं तो एक छोटा ज और एक बड़ा ज लिख देते हैं, जबकि उज्ज्वल में दोनों छोटा ज होते हैं। इसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉ मेंशन करने होते हैं। जैसे आपको मैं बताता हूँ कि किस तरीके से केस लॉ का आप उल्लेख करेंगे उत्तर में। आपके लिए मैंने 20 से 25 इंपॉर्टेंट केस लॉ की एक लिस्ट ही बना दी है, ताकि आप इसे अपने कॉपी में लिख लें और फ्यूचर में आपको जब भी जरूरत पड़े आप इसका उल्लेख कर सकते हैं। जैसे आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन ऑफ द सिटीजन, तो उसमें आप रोमेश थापर का केस का यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैं आगे आपको श्रेया सिंगर का केस भी बताऊंगा, जिसमें 66A जो है आईटी एक्ट का उसको नारायण वायड किया गया था। इसके बाद चंपका दुरई का केस है रिजर्वेशन से संबंधित एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन को लेकर। फिर आपकी प्रस्तावना संविधान का भाग है या भाग नहीं है, अगर इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाए
तो आप बेरुबारी यूनियन ऑफ इंडिया का केस के उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें कहा गया था कि प्रेम्बल जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं है। इसके बाद आगे आप LIC ऑफ इंडिया और किसान भारती का भी इसमें उल्लेख करेंगे, क्योंकि बाद में प्रेम्बल को संविधान का हिस्सा उन लैंडमार्क जजमेंट में मान लिया। इसके बाद डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आपसे पूछ लिया गया, तो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, इस केस को तो बच्चा बच्चा जानता है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इसी से डेवलप हुआ था। अगर डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर पे फुल क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप शंकर प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ और केशवानंद भारती, इन चार केस का उल्लेख करेंगे। नेक्स्ट है कि हैबियस कॉर्पस से संबंधित अगर प्रश्न पूछ लिया जाए, जो आपका पहला रीट है, तो उसमें आप ATM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला का केस जरूर कोट करेंगे। इसके बाद कभी कभी पूछ लेता है कि इंटर रिलेशनशिप क्या है आर्टिकल 14, 19 और 21 में, या 21 के स्कोप को सुप्रीम कोर्ट ने केस लॉ के जरिए किस तरीके से एक्सपेंड किया है, तब आप वहाँ पर मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का केस लॉ जरूर उल्लेख करेंगे। इसके बाद मिनर्वा मिल्स का अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो मिनर्वा मिल्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1980 का केस लॉ, अगर हारमोनी किस तरीके से, बैलेंस किस तरीके से बैठाया जाए फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, इसके सेंसेंस फीचर्स क्या होने चाहिए, ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, ये सारी चीज़ें मिनर्वा मिल्स ने सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर की थी। इसके बाद इन्फॉर्मेशन कोड से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जाए, तो आप मोहम्मद अहमद खान वर्सेज शाह बानो बेगम एंड अदर्स का केस उल्लेख कर सकते हैं। अगर आपको फुल साइटेशन नहीं याद है तो लिख सकते हैं कि इन द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ शाह बानो बेगम केस, ये इन्फॉर्म सिविल कोर्ट में भी चलेगा, ट्रिपल तलाक संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जाए उसमें भी चलेगा, मेंटेनेंस से संबंधित प्रश्न पूछा जाए उसमें भी चलेगा। इसके बाद डॉक्टर DC बादवा वर्सेज अदर का जो केस है, वो ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी करने की जो राष्ट्रपति की शक्ति है उससे संबंधित अगर आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए, तो RC कूपर और DC बाधवा का केस और कृष्ण कुमार, तीन केस लॉ हैं, आप इसका उल्लेख कर सकते हैं। इसके बाद MC मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया जो केस लॉ है, अगर पर्यावरण से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाए या आप निबंध लिख रहे हो, तो झड़ल्ले से MC मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस आप उल्लेख कर सकते हैं। भोपाल के स्ट्रेटजी के बाद एक केस आई थी, बहुत लैंडमार्क जजमेंट। इसके बाद मोहिनी जैन वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका, राइट ऑफ टू एजुकेशन पे केस लॉ है, अगर फंडामेंटल राइट्स में राइट टू एजुकेशन या शिक्षा के अधिकार से संबंधित आपको कहीं निबंध लिखना हो या GS में उत्तर लिखने हो, तो आप इस केस लॉ का उल्लेख जरूर करेंगे। इसके बाद चंपका दुरई के साथ साथ रिजर्वेशन का जो OBC को लेकर जो लैंडमार्क जजमेंट है OBC को रिजर्वेशन को लेकर, वह है इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इसी में 50% की कैप लगाई गई थी कि रिजर्वेशन किसी भी स्थिति में 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद केंद्रीय संबंधों को बात करें या आर्टिकल 356 की बात करें या राज्यपाल की बात करें, इन तीनों से संबंधित अगर आपको प्रश्न पूछा जाए, तो SR बुम्बई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का केस लॉ आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद वुमेन राइट्स केस से संबंधित प्रश्न पूछा जाए, तो इसमें विशाखा केस यानी विशाखा एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 केस लॉ का उल्लेख आप जरूर करेंगे, क्योंकि इसी केस लॉ के जो जजमेंट था, ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद एक लॉ पास हुआ था सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोविजन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। इसके बाद जो हमारा जजेस का अपॉइंटमेंट सिस्टम है, कोलेजियन सिस्टम, वो किस तरीके से डेवलप हुआ, उसमें तीन जजेस केस आते हैं। 1981 का केस SP गुप्ता वर्सेज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसके बाद एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेज रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1993 का केस लॉ है, और स्पेशल रेफरेंस केस है 1998 का। तो तीन केस आप जरूर कोट करेंगे। इसके बाद आप चाहें तो लेटेस्ट में जो केस आई थी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अल्ट्रा वायरस या नॉल एंड वाइड घोषित कर दिया था, तो आप उसका भी उल्लेख कर सकते हैं। अगर पुलिस रिफॉर्म से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जाए, तो भारत में पुलिस रिफॉर्म को लेकर क्या स्थितियाँ हैं,
तो आप प्रकाश सिंह एंड अदर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2006 का केस उल्लेख करेंगे और यहाँ पर साथ ही साथ आप मालीमत कमेटी का उल्लेख जरूर करेंगे। इसके बाद नागरंज एंड अदर्स में इंदिरा साहनी के जो इम्पैक्ट थे उसको कुछ हद तक, अगर उसमें कोई कमियां थी तो इस जजमेंट के द्वारा उसको दूर करने की कोशिश की गई थी। राजनीति सुचिता से संबंधित अगर पूछा जाए आपसे तो आप लिली थॉमस वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2013 केस लॉ उल्लेख करेंगे। श्रेया सिंगल का केस तो हमको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि राइट टू स्पीच और एक्सप्रेशन से संबंधित है। सायरा बानो बेगम, वो भी मुस्लिम राइट्स वाले मुद्दे से है जिससे शाह बानो वाला था। हाँ, ये वाले इंपॉर्टेंट जजमेंट है, आप इसे याद कर लेंगे। राइट टू प्राइवेसी, अगर निजता से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जाए तो पुट्टा स्वामी का केस आप जरूर कोट करेंगे, और अगर फुल प्रश्न पूछा हो तो इसके इतिहास में जाते हुए आप एमपी शर्मा और खड़क सिंह केस लॉ को भी कोट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि इन दोनों केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट उस तरीके से नहीं माना था। इसके बाद अडल्ट्री को जोसेफ सरिन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में जो वो 497 आर्टिकल था उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से कहें तो उसकी वैलिडिटी को ही समाप्त कर दी थी। नेक्स्ट हमारा केस लॉ है नौतेज सिंह जौहर वर्सेज अदर, ये जो आईपीसी की आपकी धारा है 377 जो कि एलजीबीटी कम्युनिटी से संबंधित है उससे रिलेटेड एक केस लॉ पूछा गया, इसमें जजमेंट दिया गया था। तो हमने आपको केस लॉ के जरिए बतलाया कि किस तरीके से आप केस लॉ का और कहाँ उपयोग कर सकते हैं। अब हम इस वीडियो के आखिरी हिस्से में आ गए हैं कि निष्कर्ष किस तरीके का होना चाहिए। निष्कर्ष हमेशा प्रश्न के कॉन्टेक्स्ट के अनुसार संतुलित और सुझावात्मक होना चाहिए। अगर आप अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न लिख रहे हैं, उत्तर लिख रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप गवर्नमेंट को बताएं, सुझाव दें कि इस स्कीम को और बेहतर तरीके से कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। कभी भी एक तरफा निष्कर्ष लिखने से समानता बचे। अगर पोस्ट क्रिएशन सिद्ध कीजिए जैसे प्रश्न हो, टेल वर्ड लगे हो, तो वहाँ पर अलग बात है, लेकिन समानता जो स्थितियाँ हैं उसमें आप एक तरफा निष्कर्ष लिखने से बचें। कुछ बच्चों का प्रश्न होता है क्या सभी प्रश्नों में निष्कर्ष लिखना आवश्यक है, तो समानता जब आप 38 नंबर या 36 नंबर जैसे बीपीएससी में प्रश्न पूछा जाता है उस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो कंक्लूजन जरूर लिखें। जो बच्चे टेस्टरी ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी टेस्टरी चल रही है डेली आंसर प्रैक्टिस की, क्योंकि हमने जितनी भी चीज़ें बता दी वो जब तक आप ग्राउंड लेवल पे देखो नियम आप कितने भी जान लो, जैसे मैंने प्रक्रिया बता दी, प्रोसीजर्स बता दिए, लेकिन जब आप तक उसको खुद से उस पर खेल कर प्रैक्टिस करके सीखोगे नहीं तब तक आप कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ सकते हो, हवा में नहीं समझ सकते हो। आपको प्रश्न जब आएगा तभी आपको समझ में आएगा कि कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट से कैसे लोग भटक जाते हैं। तो आप चाहें तो टेलीग्राम के लिंक हमने दे दी है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, आप लिंक ज्वाइन करके, हमारा डेली आंसर प्रैक्टिस सेशन चल रहा है जिसमें लगभग 30 बच्चे अभी तक जुड़ चुके हैं, तो आप उस सेशन का लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे इस वीडियो को, अगर आप अंतिम तक अभी देख रहे हैं तो अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि अगर अच्छा नहीं लगता तो आप 5 मिनट 2 मिनट पे ही छोड़ के चले जाते। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।